दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी। वो देखो वो आया बे, वो पूरी पहाड़ आएगी। इन दिनों चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हाईवे पर पहाड़ियों से लगातार मलबा गिर रहा है। ताजा मामले में आज सुबह चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 पर 7 मील के समीप एक बार दोबारा से हाईवे बंद हो गया है। जिला में चल रही मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी से भारी भरकम पत्थर गिरने के कारण हाईवे बाधित हुआ है। वहीं हाईवे के दोनों ओर जाम की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे जाम में फंसे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जो हमारा नेशनल हाईवे 21 है जो कुल्लू मनाली की तरफ जाता है मंडी से, तो वहाँ पे जैसा कि आपको विदित होगा काफ़ी टाइम से जो है लैंडस्लाइड्स हो रही है। 7 मील वाला जो पॉइंट है, 205 किलोमीटर का जो टेक्निकली हम बोलते हैं, तो वहाँ पे आज भी सुबह लैंडस्लाइड हुआ था। थैंकफुली कोई एक्सीडेंट या फिर देर हैज़ बीन नो इंजरी और कैजुअलिटी विद द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक है। बट उस एरिया को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, बट बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स हमारी तो प्रशासन की तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगी लोकल्स को एंड टूरिस्ट्स को जिन तक हमारी बात पहुंच पा रही है कि आप अल्टरनेट रूट ले लें। जब आप कुल्लू वगैरह जाना चाहते हैं, ऑट वाली साइड जाना चाहते हैं, तो उस रूट को अवॉइड करें। तो आप कमांद वाली साइड, कटौला वाली साइड से जा सकते हैं, बजौरा तक पहुँचेंगे। एंड यदि आप कुल्लू वाली साइड से मंडी को आ रहे हैं तो आप पंडो से लेफ्ट टर्न लेके आप गौहर वाली साइड से आ सकते हैं। सो दे आर सेफर रूट्स एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज लगातार लैंडस्लाइड जो हो रही है पिछले 1.5 महीने से, आपको पता ही है कि लगातार बारिश की वजह से कभी ना कभी वहाँ पे पत्थर जो है वो गिर जाते हैं। रात को 204 पे भी पत्थर गिरे थे, लैंडस्लाइड हुआ था लगभग 11:30-12 बजे के आसपास रात को, और फिर 12:30 बजे वो छोटा था बट वो क्लियर कर दिया गया था। रात को रोड थ्रू हो गया था, बट सिंस हैवी बारिश हो ही रही थी तो सुबह के टाइम पे जो 205 पे 7 मील पे हुआ था लैंडस्लाइड। तो NH के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है, कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह के साथ, पुलिस के साथ एंड द मेडिकल टीम्स, सो वी आर ऑल ऑन हाई अलर्ट एंड विद द लोकल पंचायत्स एंड लोकल पीपल एंड ऑफ कोर्स द मीडिया पीपल, यस दोज हु आर यू नो ऑलवेज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो हम लोग जो है लगे हुए हैं, सो आर करंट फोकस इज टू मिनिमाइज द लॉसेज विच आर देयर, लॉस मिनिमाइज करने में, मिटिगेट करने में और प्रिपेयर्डनेस रखने में, बिकॉज लैंडस्लाइड्स इज अ रिकरिंग डिजास्टर हियर। तो ट्रैफिक रीरूटिंग हमारा मेजर रहता है एंड उस सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी हम लोगों ने दिए हैं पुलिस को वहाँ पे, लोकल्स को भी, और सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ साथ सर्च लाइट्स वगैरह, सो दैट रात के समय इजी हो। एंड ज़्यादा JCBs हमने डिप्यूट करने को बोला है उस साइड पे, ताकि लैंडस्लाइड्स को हटाने के लिए। और एक्सकेवेशन वर्क जो है उसको हमने बोला है कि जिस दिन बारिश वगैरह होगी, बारिश का सीज़न चल रहा है, 2-3 दिन लगातार बारिश हो रही है, तो एक्सकेवेशन का वर्क ना किया जाए, तो ऐसी हिदायतें दी गई हैं। बाकी आप सबसे कोऑपरेशन चाहिए, दिया गया था पुलिस कंट्रोल रूम SHO साहब को एंड एडिशनल SP साहब को। सो व्हेन वंस वी रिसीव द इन्फॉर्मेशन, सो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल से इन्फॉर्मेशन आ जाती है, NH से इन्फॉर्मेशन आती है, सो वी कोऑर्डिनेट विद द पुलिस। पंडो पुलिस चौकी है अपनी एंड थाना सदर है, इनसे कोऑर्डिनेट करके पंडो पे भी हम बोलते हैं नाका लगाने के लिए, और यहाँ पे भी जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं ताकि उनको डाइवर्ट कर दिया जाए। अगर दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पंडो से विशाल वर्मा की रिपोर्ट। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी, ओनली यूनिवर्सिटी प्रमोटेड एंड मैनेज्ड बाय हिमाचली पर्संस, एंड टू गेट UGC अप्रूवल इन फर्स्ट इंस्टेंस, 7 years ऑफ फाइनेस्ट एग्जिस्टेंस, एक्सीलेंट फैसिलिटी, मॉडर्न लैब्स, फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट विद कंड्यूसिव एम्बियंस फॉर एजुकेशन। कोर्सेज ऑफर्ड BA, BEd, BSc, BEd, B Pharmacy, B Tech, डिप्लोमा फार्मेसी इन एलोपैथी एंड आयुर्वेदा, डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट, BSc MLT, BSc एग्रीकल्चर, BA MS, BPT, MSc इन एग्रीकल्चर एंड जूलॉजी, MA इन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स, MTech, MPharmacy, PhD। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स